नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा के सतनारी निवास स्थान पर। उनके फार्म हाउस पर मौजूद है और जिस तरह से देखा जा रहा है काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो भीड़ है वो है। और हाल ही में वीरता का परिचय देने वाले मुकेश फौजी खातौद को पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है और उसकी साक्षी है। ये जो काफ़ी लोग हैं ये यहाँ पर फार्म हाउस पर इकट्ठे हुए हैं। इस कार्यक्रम के निमित्त जो भी जानकारी होगी वो हम आप तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। और देखिए, जिस तरह से सम्मान दिया गया है, बहुत ही वीरता का परिचय है। इसी क्रम में मंत्री जी से पर बातचीत भी करेंगे और जवान के लिए जो भी सरकार की ओर से घोषणा होगी उसके बारे में बातचीत करने की एक बार कोशिश करेंगे। मंत्री जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, बहुत बहुत एक पोत्र रत्न की आपको प्राप्ति हुई है। जी, बातचीत कर लेते हैं। आजकल हमारे जो भाई साहब है जवान मुकेश फौजी, इन्होंने बहुत ही वीरता का परिचय दिया है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये देखिए, 9 सितंबर को महेंद्रगढ़ में गणेश महाराज को विसर्जन के अवसर पर जी इस मुकेश फौजी ने 10 बच्चों की जान बचाई। जी, ये रेवाड़ी जा रहा था झगड़ोली पुल पर, इसने देखा कि बच्चे हाथ पांव मार रहे हैं, इसने आव देखा न ताव और ये नहर में छलांग लगाई, इसने 10 बच्चों की जान बचाई। मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी को पत्र लिखा है, इनके डीजीपी को लिखा है कि इस बच्चे ने बहुत बहादुरी का काम किया है, अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे 10 बच्चों की जान बचाई है, इसका मैंने अपने निवास पर अभिनंदन किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा है। अगर बातचीत कर ले तो जिस नहर पर ये हादसा हुआ है, पहले भी हादसे हुए हैं लेकिन महेंद्रगढ़ में बात करें तो गोताखोरों की भारी कमी है, तो ऐसे में बातचीत करें तो क्या इनके लिए जो हरियाणा सरकार है वो मदद कर पाएगी या फिर आगे आने वाले भविष्य में जो हादसे हैं उनको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कल भी बात की है कि हमारे 4 बच्चे चले गए और उनको आर्थिक सहायता दी जाए और नहर के जो श्री देवेंद्र सिंह हमारे IAS अधिकारी हैं, जो इरिगेशन में मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं, उनसे उसी दिन बात की थी कि झगड़ोली नहर के 1-1 किलोमीटर बाएं दाएं सुरजनवास पंप हाउस पर, गोमड़ा हीर पंप हाउस पर, नहर के ऊपर या तो ऊंची दीवार बनाई जाए या नहर में सुरक्षा के हिसाब से कोई प्रबंध किया जाए। ये मैंने उसी दिन बात की थी और मुझे लगता है 15-20 दिन पर इस पर कार्रवाई हो। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास के सतनाली निवास से और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो उपस्थित हैं। एक जवान को पूरा सम्मान दिया गया है और बातचीत की गई कि जल्दी मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके पत्र भी लिखा गया है और इसी के माध्यम से मांग की गई है कि जवान को उचित और यथोचित मान सम्मान है वो दिया जाए। धन्यवाद।